पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर आसनसोल, जिसे द सिटी ऑफ ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। आसनसोल भारत के सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में 11वें स्थान पर है और पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आसनसोल के कुछ टॉप फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, ताकि आप जब भी आसनसोल घूमने आए तो इन सभी जगहों पर घूमना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुशांता राय वैक्स म्यूजियम एंड शीश महल। आसनसोल से 3.5 किलोमीटर दूर सुशांता राय वैक्स म्यूजियम एंड शीश महल, जो कि वेस्ट बंगाल का पहला शीश महल है और पश्चिम बर्धवान का पहला वैक्स म्यूजियम है। इस म्यूजियम के ऑनर है मिस्टर सुशांता राय, जिनके द्वारा कई महान हस्तियों की मूर्तियां बनाकर इस म्यूजियम में रखी गई है, और साथ ही इस म्यूजियम के ऊपर एक प्यारा सा शीश महल भी है जिसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। इस म्यूजियम के खुलने का समय है सुबह 11 बजे से रात के 8:30 बजे तक। माँ घाघरबुरी चंडी माता टेम्पल। दोस्तों, कहा जाता है कि हर जगह की कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, वैसे ही हमारे आसनसोल की भी खासियत है माँ घाघरबुरी चंडी माता मंदिर। नूनिया नदी के तट पर काली पहाड़ी में स्थित यह आसनसोल का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और अगर आप आसनसोल आए और माँ घाघरबुरी के दर्शन नहीं किए तो फिर आपका आसनसोल आना बिल्कुल व्यर्थ माना जाएगा। मंदिर के खुलने का समय है सुबह 5:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। काजी नजरुल इस्लाम म्यूजियम। काजी नजरुल इस्लाम यह एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। इनका जन्म आसनसोल के चुरुलिया में हुआ था, जो कि आसनसोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक महान कवि होने के कारण इनकी उपयोगी वस्तुओं को अभी तक संभाल कर रखा गया है। आपको भी इस जगह पर जरूर जाना चाहिए और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों का अनुभव जरूर लेना चाहिए। रामाकृष्ण मिशन न्यू मंदिर। आसनसोल से 4 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण वाला मंदिर, जिसमें परमहंस श्री रामाकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी की पूजा होती है। आपको यहाँ अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य जाना चाहिए, खासकर शाम की आरती के वक्त, जो कि 5:30 बजे से शुरू होती है। मंदिर के खुलने का समय है सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात 8:30 बजे तक। पनोरमा वाटर पार्क। दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आसनसोल से इसकी दूरी मात्र 13 किलोमीटर है। देशबंधु लोको पार्क। रेल प्रेमियों के लिए यह एक अच्छा स्थान साबित हो सकता है। वैसे तो यह खासकर बच्चों का पार्क है, लेकिन आप सभी इस जगह का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भारतीय रेल इंजन के कई मॉडल्स रखे गए हैं और सप्ताह में एक दिन शनिवार को यहाँ भाप से चलने वाली टॉय ट्रेन चलाई जाती है, जिसकी सवारी का आनंद आप ले सकते हैं। देशबंधु लोको पार्क सप्ताह में केवल एक ही दिन सैटरडे को खुला रहता है। इस स्थान की दूरी आसनसोल से लगभग 27 किलोमीटर है। ब्लू फैक्ट्री माइंस। अगर आप खुद को थका हुआ और परेशान महसूस कर रहे हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं। यहाँ की ताजी हवा और खूबसूरत दृश्य देखकर आप बिल्कुल तरोताजा हो जाओगे। यह स्थान आसनसोल से लगभग
5.7 किलोमीटर दूर भनौरा कोलेरी में है। नेहरू पार्क। आसनसोल से नेहरू पार्क की दूरी 10 किलोमीटर है। सेंट्रम मॉल, गैलेक्सी मॉल, स्क्रेड हार्ट चर्च, कल्याणेश्वरी टेम्पल, माइथन डैम। बराकर नदी पर बना यह सुंदर बांध आसनसोल और झारखंड का एक लोकप्रिय आकर्षक केंद्र बन गया है। इसकी दूरी आसनसोल से मात्र 22 किलोमीटर है। भंडार पहाड़ अथवा पहाड़ी बाबा का मंदिर। भंडार पहाड़, जिसे पहाड़ी बाबा का मंदिर नाम से भी जाना जाता है, जो कि माइथन डैम जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ आप 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भगवान शिव जी का दर्शन कर सकते हैं और साथ ही आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आसनसोल से 21 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको इस शांत वातावरण में जरूर जाना चाहिए। आसनसोल रेलवे स्टेशन। इन सभी जगहों के बाद अंत में आता है हमारा आसनसोल रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो है ही और साथ ही कहीं ज़्यादा खूबसूरत भी है। यहाँ घूमना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, यही थे आसनसोल के कुछ फेमस प्लेसेस। मैंने इन सभी जगहों का मैप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसकी मदद से आप इन सभी जगहों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वैसे अगर हमारी इस लिस्ट में कोई प्लेस बताना रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।